दिस न्यूज प्रोड्यूस्ड बाय सनराइज अपार्टमेंट। सिहुरा ग्राम में जिलाधिकारी के आदेश पर तुमसर तहसील के नायब तहसीलदार पेंदाम मंडल अधिकारी सतदेव एवं तलाठी कुम्हारी द्वारा सिहुरा के ग्राम पंचायत इमारत में बैठक रखी गई थी। इस बैठक का उद्देश्य था कि सिहुरा ग्राम में 100% वैक्सीनेशन होना चाहिए, जो कि सिहुरा में अब तक नहीं हुआ है। इसी के मद्देनजर सिहुरा के सरपंच, आंगनवाड़ी सेविका, ग्राम पंचायत सदस्य, जिला परिषद स्कूल के सभी कर्मचारी एवं स्कूलों के कर्मचारियों को बैठक में बुलाकर वैक्सीनेशन 100% होना चाहिए, इसके ऊपर नायब तहसीलदार ने मार्गदर्शन कर अपने मत व्यक्त किए। इस वैक्सीनेशन से लोगों को क्या फायदा है, ये भी उसमें बताया गया। उसी प्रकार मंडल अधिकारी एवं पटवारी द्वारा भी आए हुए सभी पदाधिकारियों को घर घर जाकर वैक्सीनेशन करने के लिए लोगों से अपील करने हेतु मार्गदर्शन किया गया। मोठ्या प्रमाणात आपला लसीकरणावरती जास्त भर देण्यात येत आहे आणि अजूनही लसीकरणाला पाहिजे तसा प्रतिसाद मिळू नाही राहिला, याकरता आपण एक कार्यक्रम असा आयोजित करायचा आहे की प्रत्येक घरोघरी जाऊन भेटी देऊन ज्यांचे लसीकरण झाले नाही झाले अशांचे आपल्याला सर्चिंग करायचं आहे, त्याकरता आपल्याला ग्रुप करायचा आहे। या ग्रुपमध्ये आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका, शिक्षक वर्ग आणि ग्रामपंचायतचे सभासद सदस्य यांची मदत घेऊन सर्वांच्या घरी भेटी देऊन ती यादी करून आपल्याला लसीकरणाचा कार्यक्रम पूर्णपणे यशस्वी करायचा आहे। याच्यामध्ये आपण आता सर्व विशेषतः करून ज्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात लसीकरण शिल्लक आहे अशा ठिकाणी आपण जास्त विशेष लक्ष केंद्रित केलेलं आहे। विशेषतः आता तालुक्यामध्ये शिवऱ्यामध्ये असं दिसलं की आजच्या घडीला 1250 लोक अजूनही लसीकरण झालेले नाही, म्हणून आपण तिथे जास्त भर देऊन राहिलो आहोत। तसे आपलं प्रत्येक गावामध्येच आपण ही असं करणार आहोत, गृहभेटी ज्या कार्यक्रम करणार आहोत। आपके अपने चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज की खबर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले।